हेलो गाइस, कैसे होगा? तो उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे होगा। आपके आपके बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और अभी मोबाइल फ़ोन का सिस्टम अपडेट करने के बाद से एक नया फ्यूचर सामने आ गया है। वो फ्यूचर क्या है कि किसी मोबाइल में देखिए, किसी मोबाइल में दे रहा होगा वाईफाई कॉलिंग और किसी मोबाइल में दे रहा होगा वीवो वाईफाई। इसका मतलब क्या है और इसको कैसे यूज करना है, चलिए इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ मैं कि इसके क्या क्या सेटिंग है और कैसे आपको ये सेटिंग करना है और उससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। सिंपली मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। और आप भी अगर आपके मोबाइल में भी ये दिया हुआ है तो ये ट्रिक जान लीजिए और कोई बार फंस जाते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं आप। तो उसमें चलिए क्या क्या प्रोसेस है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या क्या करना है आपको। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं वह अपने नॉर्मल कॉल करके दिखाता हूँ और उसके बाद से मैं उससे कनेक्ट करके कॉल करके बताता रहा हूँ कि क्या फ़ायदा है। तो चलिए पहले मैं नॉर्मल फ़ोन करके दिखाता हूँ आपको। सिंपली आपको डायल पैड ओपन कर लेना है। डायल पैड ओपन करने के बाद किसी आपके कोई दोस्त वगैरह होगा तो सिंपली उसके ऊपर आप पहले फ़ोन कीजिएगा। तो सिंपली मैं किसी के ऊपर मैं फ़ोन करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का है। सिंपली उसके ऊपर अभी फ़ोन पे फ़ोन जा रहा है, यहाँ पे कोई सिंबल वगैरह नहीं दिखा रहा है। सिंपली मेरा जो फ़ोन जा रहा है, सिंपली ये मेरा सिम से जा रहा है। सिंपली वो पहले टू सिम से मेरा जा रहा है और सिंपली अभी मैं बता दिया हूँ कि ये नॉर्मल फ़ोन था। अभी मैं उससे कनेक्ट करके और फ़ोन करके आपको दिखाने वाला हूँ और उससे फ़ोन करके कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा है ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए बताता हूँ उसमें क्या कर रहे हैं। तो सिंपली सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले आप किसी वाईफाई से जुड़ जाइएगा कोई द्वार और अभी किसी वाईफाई से जुड़ जाएगा, उसके बाद से मैं बताता हूँ क्या करना है। तो सिंपली मेरे पास वाईफाई है तो मैं वाईफाई से जुड़ जाता हूँ। जैसे मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली देखिए मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट हो चुका हूँ। देखिए आपको भी दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए मेरा वाईफाई से जुड़ चुका है। अभी मेरा जो वुल्वो वाईफाई है इससे मैं इसमें कनेक्ट नहीं किया हूँ, इसमें भी आपको कनेक्ट कर लेना है। अगर आपने वाईफाई कॉलिंग दिया है तो उसमें आपको कनेक्ट कर लेना है। दोनों सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, दोनों एक ही काम करेगा। तो सिंपली मेरा ये नाम से दिया है, आपने दिया होगा वाईफाई कॉलिंग का, तो सिंपली मैं इससे भी जुड़ जाता हूँ। इसको मैं इसे लंबा प्रेस करना है। लंबा प्रेस करने के बाद से देखिए कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से चालू, यहाँ से आपको यहाँ से ऑफ होगा तो सिंपली आपको चालू कर देना है। चालू कर देने के बाद से आपके जो फ़ोन में रिचार्ज होगा उसी से आपका ये कॉलिंग जुड़ जाएगा। अब ये नहीं कि दो है तो एक से कोई जुड़ जाएगा, कोई से नहीं, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज होगा जिसे आप कॉल करते होंगे उसी से जुड़ जाएगा। तो सिंपली देखिए अभी मेरा ऑन हो चुका है और जिसमें देखिए जिस वाईफाई का नाम से जुड़ा हुआ है उसमें यही दिखा रहा है और कॉलिंग वाला में भी यही दिखा रहा है जिसमें वो वाईफाई दिया है इसमें भी वही नाम से दिखा रहा है, यानी मेरा जुड़ चुका है। अभी इसका यूज कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। तो अब फिर से मैं किसी अपने जो इससे मैं फ़ोन किया तो फिर से मैं उसके ऊपर फ़ोन करके दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपली मैं फिर से जो आपके जैसे ही फ़ोन करेंगे तो आपका जो सिम होगा उसी जिसमें आपका रिचार्ज होगा उसी से आपको चालू कर देना है। तो मैं इसी से यहाँ से फ़ोन लगा दिया हूँ। फ़ोन लगाने के बाद जबकि मोबाइल के सामने अब देखिए वाईफाई का सिस्टम दिखाने रहा है। इसका सिस्टम दिखाने का मतलब क्या है चलिए मैं बताता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं फ़ोन कट कर दे रहा साइड में रखा हुआ है, मैं उसके ऊपर फ़ोन चला गया है और देखिए उसके नाम के सामने मेरा वाईफाई कॉलिंग का दिखे सिंबल भी दिखा रहा है। और इसका फ़ोन करने का रिवीजन क्या है, कैसे इसको यूज करना है चलिए बताता हूँ। इसका रिवीजन ये है कि मान लीजिए कोई द्वारा आप किसी ड्राइव उराइव करते होंगे, अपने कार वगैरह ड्राइव करते हो तो देखते होंगे कोई द्वारा आपके मोबाइल का जो फोर व्हीलर का चक्का है वो पेंचर हो जाता है, कोई खराबी आ जाता है, टेक्निकल कोई खराबी आ जाता है आपके कार में और आपका मोबाइल फ़ोन में देखते होंगे रिचार्ज उसमें आपका नेटवर्क चला जाता है। रिचार्ज तो रहता है पर उसमें नेटवर्क चला जाता है क्योंकि वहाँ आपका लोकेशन नहीं मिलता है आपके सिम का। अगर कोई द्वार रेगिस्तान वगैरह में चला जाता है, जंगल वगैरह में चला जाता है तो वहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क ही नहीं मिलता है, सिग्नल ही नहीं मिलता है, तो आप कॉल कैसे करेंगे? तो कोई द्वार अगर मान लीजिए कोई आपके यहाँ से कोई गुजर रहा है और वहाँ से जो लोग रहते होंगे उसके मोबाइल से तो सिग्नल मिलता होगा क्योंकि वो पहले से वो लोग रहते हैं, तो उसके जाके आपको उससे फ़ोन के कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल फोन से कॉल करेंगे। सिंपली आपको वहां से वाईफाई ले लेना है। वाईफाई ले लेने के बाद से आपको यहां से वुलवे वाईफाई दिया होगा, फिर कॉलिंग दिया होगा उसको भी जिस प्रकार से मैं यहां से लौंगा प्रेस करने के बाद से आपको यहां से ऑन करके और सिंपली अगर कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाने के बाद से आपको फिर से उस पर कॉल डायल पैड में जाने के बाद से आप उसके फिर से कॉल करेंगे तो अगर जिसमें आपका मोबाइल रिचार्ज रहेगा उसी से कॉल करने, भले से आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक कर देने के बाद से आप वाईफाई से जुड़े होंगे उसी से आपका कॉल जाएगा आपके नेटवर्क से यहाँ से लेना। सिस्टम था चलिए मैं बता दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इन बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।